गुड इवनिंग एवरी वन आई होप आप सब अच्छे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे आप uh, जिन लोगों को इस बार का एग्ज़ाम देना है अक्टूबर में उन लोगों के पास तो अब समय ही नहीं बचा है बहुत कम समय है वो तो अपना रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे लेकिन जिन लोगों को नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम देना है यानी कि 2021 में भी अगर एग्ज़ाम देना है उन लोगों के पास भी समय बहुत कम बचा है ये मान लीजिए अगस्त खत्म हो गया है सितंबर आ गया है अब सितंबर के बाद तो ये टाइम इतनी तेज़ी से बीतता है और अगले साल के एग्ज़ाम अपने समय पर ही होंगे क्योंकि अब तो सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो जो अगले साल के एग्ज़ाम्स होंगे वो अपने डेट्स पर ही होंगे तो आ, मान कर चलिए आप लोगों के पास नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत कम समय बचा है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ये मान करके कि अगले साल हमें एग्ज़ाम निकालना है और पूरी पूरी ताकत जितनी झोंक सकते हैं अपनी पूरी मेहनत करके काम करें ठीक है उम्मीद करता हूँ आप ऐसा कर रहे होंगे देखिए भाग्य कुछ नहीं होता भाग्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं सीधी सी बात है आप अगर मेहनत कर पा रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं अपना हंड्रेड परसेंट दे पा रहे हैं यही भाग्यशाली होना है उसके बाद अगर आपके पास परिणाम नहीं आता है तो फिर आपको अफसोस करने की आवश्यकता नहीं लेकिन यदि आपने मेहनत कम की है आपको यह एहसास होता है कि यार नहीं मैं और मेहनत कर सकता था आई हैवेंट गिवन माई हंड्रेड परसेंट तो फिर वहाँ भाग्य को कोसने का कोई मतलब नहीं बनता वहाँ पर अभी आपकी तरफ से कमी रही है ये अफसोस करने वाली बात है कि हमने कमी की है एक्चुअली तो अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट दीजिए उसके बाद जो भी परिणाम आता है वो परिणाम सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है और उसमें आपको अफसोस करने की आवश्यकता नहीं लेकिन अगर आप अपने एंड पर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर अफसोस करने की बात है तो प्लीज़ अपनी एंड पर तो पूरी मेहनत करिए आप खुद को ये जवाब दे सके अपनी अंतरात्मा को ये जवाब दे सके कि मैंने हंड्रेड परसेंट मेहनत की है तो परिणाम भी अच्छे आएंगे ऑब्वियसली बात है तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मैं आज यूट्यूब पर तीन दिन बाद आ रहा हूँ थोड़ी तबीयत मेरी ढीली थी तो मैं रात वाली नौ बजे वाली क्लास नहीं ले रहा था ऐप पर तो क्लास ली है मैंने दो दिन लेकिन यूट्यूब वाली रात को लेट नाइट हो जाती है नौ बजे तो मैं क्लास नहीं ले पा रहा था थकावट काफ़ी हो रही थी शाम तक आते आते आज क्लास लेता हूँ आज पहले से काफ़ी बेटर हूँ <coughs> तो आज जो नया टॉपिक शुरू करना हम लोग पढ़ रहे थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अच्छा मैं पूछना भूल गया आवाज़ तो आ रही है ना बच्चों क्लियर है क्योंकि तो आवाज़ ही ना आ रही है और मैं बोलता जा रहा हूँ बेटा मुझे वीडियो साफ दिख रहा है बट मुझे वॉइस का नहीं अंदाज़ा कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है सिग्नल्स मेरे पास वॉइस के ठीक आ रहे हैं ग्रीन है आप लोग एक बार जल्दी से मैसेज करके लिख दीजिएगा प्लीज़ कि सिग्नल्स मतलब वॉइस ठीक है या नहीं है दूसरा जो है आपको अटेंडेंस डालनी है अपनी बच्चों भूले नहीं होंगे तीन दिन के अंदर तो अपने अटेंडेंस प्लीज़ डाल दीजिएगा अपना नाम प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे पता तो चले कौन कौन बच्चे क्लास देख रहे हैं और लाइक का बटन दबा दीजिएगा बहुत दिन बाद यूट्यूब पर आए हो तीन दिन बाद लाइक का बटन तो दबा ही दीजिएगा हाँ नाउ अगर हम देखें क्योंकि यूट्यूब के चैनल पर उसे प्रमोट करने का तरीका या उसको मोटिवेट करने का तरीका कि उस पर एक अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है वो लाइक से हैं उस पर अच्छा काम हो रहा है अच्छी बातें कही जा रही हैं ये बात लाइक से ही पता चल पाती है लोगों को जो भी देख रहे हैं उस चैनल को ना हो पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है बच्चे मैसेज कर भी रहे होंगे शायद या तो मेरे पास एक मिनट क्लियर है ठीक है थैंक यू सोनू सिंह थैंक यू आवाज़ अगर साफ आ रही है तो मुझे यहाँ चैट पॉक्स में यहाँ नहीं आ रही है चैट एक मिनट रुक जाओ बच्चों ठीक है चलिए थैंक यू आवाज अगर क्लियर आ रही है तो तो बस आ, एक तो यही बात थी कि मतलब आ, अब ये हमें एक तो आ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू करना है आज आज जो टॉपिक शुरू करना है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में वो टॉपिक है कास्ट मूवमेंट्स इन इंडिया भारत में जातीय आंदोलन देखिए हमने इससे पहले कुछ धार्मिक हमने हिंदू धर्म सुधार आंदोलन भी पढ़ा हमने जो है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन भी पढ़ा उसी प्रक्रिया में हमने पारसी धर्म सुधार आंदोलन भी पढ़ा था और उसी प्रोसेस के अंदर हमने जो है पारसी धर्म सुधार के साथ साथ हमने जो है थियोसोफिकल मूवमेंट भी पढ़ लिया था लास्ट क्लास में हमने थियोसोफिकल मूवमेंट पढ़ा था अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इसी सामाजिक सुधार आंदोलन में और धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर अब जो हमें अगली बात करनी है वो है कि जाति आंदोलन यानी कि कास्ट मूवमेंट जो भारत के अंदर चले भारत के अंदर जो जाति आंदोलन चले उसका आज एक कंसेप्चुअल स्टडी आज कराने जा रहा हूँ फैक्चुअल स्टडी उतनी नहीं कराऊंगा मैं उसमें फैक्ट्स काफ़ी सारे जाति आंदोलन चले हैं तो उन एक एक आंदोलन की डिटेल्स जो है मैं प्रिंटेड नोट्स में आपको नोट्स में दे दूंगा और आज की क्लास के नोट्स जो हैं वेबसाइट पर वेबसाइट की जो हमारा डाउनलोड लिंक है उस डाउनलोड लिंक में आज आ जाएंगे वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को आ, अच्छा एक बात यहाँ पर यही बता दूँ कि जो लोग भी ऐप पर क्लासेस ले रहे हैं वो लोग भी इकोनॉमी के जो हमारे लास्ट क्लास तक के नोट्स हैं वो अभी क्योंकि इकोनॉमी में जो नोट सेक्शन है उसमें थोड़े से कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे हैं कुछ कोडिंग के इश्यूज हैं कि वो डिस्प्ले प्रॉपर नहीं हो पा रहे वहाँ नोट्स तो वेबसाइट पर ही जो है इकोनॉमी के भी कल तक की क्लास के नोट्स जो हैं इकनॉमी के वेबसाइट पर आ जाएंगे और चेक कर लीजिएगा क्लास के बाद आज की हिस्ट्री आज तक के हिस्ट्री के नोट्स भी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है सिविल अकेडमी डॉट इन के स्टडी मटेरियल सेक्शन पर आ जाएंगे क्लास के बाद वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं आज तक की क्लास के जो नोट्स हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में, में भी दोनों मीडियम्स में आ जाएंगे नोट्स ठीक है इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास के नोट्स भी आज दिन में डलवा दिए गए हैं कल तक की क्लास तक के जो लास्ट क्लास हुई थी लास्ट क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हुई थी उसके नोट्स भी वेबसाइट पर अपलोड करा दिए गए हैं तो वहां से डाउनलोड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स भी कर लीजिएगा जो बच्चे ऐप पर भी क्लास कर रहे हैं और आज इसमें भी होंगे यूट्यूब के आज के लेक्चर पर भी होंगे तो वो लोग वहां से आ, नोट्स को डाउनलोड कर लें ये ध्यान रखिएगा एक बात और छोटी सी कह दूं अभी भी बहुत सारे बच्चों का ये मेरे पास फ़ोन आता है या मैसेज आता है कि सर मुझे जो है क्लास अलॉट नहीं हुई है ऐप पर मुझे कोर्स अलॉट नहीं हुआ है जबकि मेरा कोई फीस का इशू भी पेंडिंग नहीं है कोई भी इशू पेंडिंग नहीं है तो आ, एक रीज़न अभी भी बन रहा है बहुत बच्चों का कि अभी भी बहुत सारे बच्चों ने ऐप के अंदर जो रिचार्ज सेक्शन है जिनकी फ़ीस सबमिट है वो रिचार्ज सेक्शन में जाके उन्हें लगता है कहीं फीस ना जमा करनी पड़े जिनकी फीस पूरी सबमिट है उन्हें फीस सबमिट नहीं करनी है बस उन्हें लेकिन रिचार्ज सेक्शन में हमने एक एडमिशन फॉर्म डाला है वो एडमिशन फॉर्म भरना है जब तक वो उस एडमिशन फॉर्म को नहीं भरेंगे उनको कोर्स अलॉट नहीं होगा तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको कोर्स अब ऐप पर नहीं दिख रहा है जबकि उनका कोई इशू नहीं है ना कोई फीस इशू है वो इंस्टीट्यूट के, के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं तो अब उनको कोर्स दिखना बंद हो गया होगा तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका एक रीजन हो सकता है जिन्होंने फॉर्म फिल, फिल, फिल नहीं किया वो अपना फॉर्म जरूर फिल करें जैसे हमारे पास फॉर्म आता है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और वो कोर्स आपको अलॉट हो जाता है सारी चीजें क्रॉस चेक करने के बाद वो कोर्स अलॉट हो जाता है ठीक है तो अगर ऐसा जिन जिन के इशू हैं प्लीज़ ये कर लीजिएगा इसके बाद भी किसी का इशू है कोई भी मुझसे फ़ोन पे बात करिए ठीक है आ, दिन में दो बजे से लेकर के पाँच बजे के बीच में इस टाइम पे आप मुझसे बात करिए उस समय में फ़ोन फिर भी फ्रिक्वेंटली पिक कर लेता हूँ मैं क्लास में नहीं होता हूँ तो आप मुझे फ़ोन पर बात करिए ऐसा नहीं कि क्लास अटेंड नहीं कर रहे मुझसे फ़ोन पर बात करिए अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो सॉल्व कर दूंगा तमाम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की है चलिए नाउ नेक्स्ट uh, अब पढ़ाई को शुरू करते हैं तो हमको जो है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के प्रोसेस के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे हमने आज आज हमें पढ़ना है जाति आंदोलन ना अब ये जाति आंदोलन है क्या ये जो जाति आंदोलन भारत में चले जो कास्ट मूवमेंट्स भारत के अंदर चले ये कास्ट मूवमेंट्स बहुत हद तक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थे यानी कि ब्राह्मणों के विरोध में यह आंदोलन था इनफैक्ट ब्राह्मण विरोध ना कहकर मैं कहूंगा ब्राह्मणवाद के विरोध में ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट ये आंदोलन था ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये आंदोलन तो रहे ऐसा क्यों हुआ और अच्छा ऐसा बिल्कुल नहीं कि इस आंदोलन के अंदर केवल और केवल एस कम्युनिटी ने ही पार्टिसिपेट किया या एस कम्युनिटी ने यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया ऐसा नहीं है बहुत सारी अन्य जातियां हैं जो कि अपने आप को कॉल्ड अगड़ी जाति मानती हैं उनमें भी बहुत लोगों ने जो है आंदोलन में भाग लिया है और इस ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में भाग लिया है ऐसा क्यों ये जब आंदोलन चले तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वर्ण व्यवस्था का रोल तो है ही भारत के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बहुत मजबूत किया और ब्राह्मणों ने इस वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था के अंदर जो दिखाया गया एक चार स्तर दिखाए गए चार लेवल्स दिखाए गए बहुत से एरियाज में तो अच्छा सब लोग वैदिक वर्ण व्यवस्था को अलग अलग एरियाज में अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे वो अपने हिसाब से उनका अर्थांकन करते थे उनको इंटरप्रेट करते थे पश्चिम भारत के जो ब्राह्मण थे वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे तो इसलिए जो आंदोलन चले हैं ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन पूरे भारत में चले ऐसा नहीं हुआ है इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो कास्ट मूवमेंट्स हैं इस पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ आपको दक्षिण भारत में ज़्यादा दिखाई देंगे और पश्चिम भारत में वेस्ट इंडिया महाराष्ट्र की साइड ज्यादा दिखाई देंगे और साउथ इंडिया दक्षिण भारत में तमिलनाडु वगैरह में जो है ज्यादा दिखाई देंगे यह आंदोलन आपको जो या आंध्रा के अंदर इस तरीके के आंदोलन दिखाई देंगे तो ये आंदोलन दक्षिण भारत में रहे और पश्चिम भारत में रहे पूरे भारत में नहीं चले क्यों क्योंकि मैंने कहा पूरे भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था का जो विश्लेषण था और उसके कारण जो ब्राह्मणिज्म था वो भी अलग अलग टाइप का था जो ब्राह्मणवाद था वो भी अलग अलग टाइप का था कुछ एरियाज में स्पेशली अगर हम नॉर्दर्न एरिया की बात करें उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो शूद्र थे वर्ण व्यवस्था के अंदर जो शूद्र थे उनको ज्यादा दबाया गया था उनके अगेंस्ट जो है रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध तमाम तरह के प्रतिबंध जो लगाए जा रहे थे जिसके कारण ही ये आंदोलन चले हैं केवल शूद्रों के खिलाफ ये आंदोलन ये प्रतिबंध ज्यादा लगे इसलिए या भेदभाव उनके साथ ज्यादा किया गया उसके नाम पर इसलिए वहाँ पर तो हमें उत्तर भारत में आंदोलन जो है शूद्र जाति के लोगों के द्वारा ज़्यादा दिखाई देते हैं ब्राह्मण विरोधी आंदोलन लेकिन पश्चिम भारत की अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडिया की मैं बात करूँ और अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर ये इस आंदोलन में मुझे केवल शूद्र जातियां ही नहीं बल्कि अन्य जाति के लोग भी शामिल होते हुए दिखाई देते हैं कहीं कहीं तो वैश्य भी शामिल होते हुए दिखाई देते हैं ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों के अंदर और अन्य जातियां जो शूद्र जातियों में नहीं आती हैं वो भी जो है ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों में शामिल होते हैं आंदोलनों को छेड़ते हैं इनफैक्ट चलाते हैं इनफैक्ट और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि आंदोलन शूद्रों के द्वारा नहीं चला बल्कि उस आंदोलन में आंदोलन ब्राह्मण विरोधी है पर उसमें शूद्र शामिल नहीं है ये भी बात है ऐसा नहीं है कि शूद्रों के साथ भेदभाव केवल केवल ब्राह्मण करते थे यह भी नहीं है मैं भी आपको कुछ इंसिडेंट दिखाऊंगा कुछ ऐसी एनालिसिस एक दिखाऊंगा कि शूद्र के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन है आंदोलन चलाया जा दो 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 चा रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ लेकिन उस आंदोलन में शूद्रों को शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो अन्य जातियां हैं वो ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं क्योंकि वो ब्राह्मणों से कुछ मामलों में चिड़ती हैं उन्हें लगता है कि ब्राह्मण भेदभाव करके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पर स्थापित हो चुके हैं लेकिन वो भी शूद्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और वो अपने आंदोलन के अंदर शूद्रों को शामिल करना नहीं चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन ये जो जातीय आंदोलन थे ये जातीय आंदोलन में भी समस्याएं थी और करप्शन थे इसीलिए इन्हें जितना सफल होना चाहिए था ये आंदोलन उतने भारत में सफल नहीं हुए ये बीमारी जो ये जो जातिवाद की बीमारी है जो भेदभाव की जाति के नाम पर बीमारी है आंदोलन तो आज से सौ सौ साल पहले चल चुके हैं या लेकिन ये बीमारी जो है ये बीमारी अभी तक नहीं गई है क्यों क्योंकि इन आंदोलनों के अंदर भी कमजोरियां थी कमियां थी क्योंकि ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं विभाजन के शिकार थे और ये आंदोलनों के अंदर भीतर भी एक प्रकार का भेदभाव देखा गया वो भी देखने में सामने आता है जैसे कि कुछ जगह पर ब्राह्मणों ने किसी अन्य जाति को शूद्रों के साथ तुलना कर दी या उन्हें ये घोषित कर दिया कि ये तो शूद्रों में शामिल होते हैं तो वो जाति क्या लड़ाई लड़ रही है वो जाति ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो लड़ाई लड़ रही है लेकिन इस वजह से लड़ाई लड़ रही है कि तुमने हमें शूद्रों में शामिल कैसे कर दिया यानी कि मन में तो उसके भी शूद्रों के प्रति भेदभाव है तो ये भी हो रहा था तो वो लड़ाई किस बात की लड़ रही है कि अगर उससे शूद्रों में शामिल नहीं किया जाता तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ ना होती लेकिन क्योंकि ब्राह्मणों ने शास्त्र वगैरह और बहुत सारे चीज़ें बता के कल्चर और इतिहास दिखा करके जो है किसी जाति को शूद्रों में शामिल करने की कोशिश की तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ी हुई तो यानी कि उस जाति के लोग भी शूद्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और उन दोनों के साथ ब्राह्मण भेदभाव कर रहे हैं यह हुआ है तो इसलिए जो आंदोलन थे इन आंदोलनों की अपनी कमजोरियां भी रही हैं इस ये जो आंतरिक विभाजन है कमजोरी भी रही है, भी है। सिर्फ एक ओवरव्यू जैसे मैं हर बार देता हूं अभी तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं फिर वर्चुअल क्लास में ले जाके नोट्स के साथ समझाऊंगा नाउ इन आंदोलनों की और खास बात भी है कि इन आंदोलनों में ऐसा नहीं है कि इन आंदोलनों में सिर्फ गरीब लोग शामिल हुए हैं इन आंदोलनों को ताकतवर भूमि पति लोगों ने जिनके पास भूमि थी उन सब लोगों ने जिनके पास अच्छी थी उन सब लोगों ने भी लड़ा और उन लोगों ने गरीब शूद्रों को अपने साथ नहीं रखा क्योंकि कई बार ये आंदोलन वर्चस्व की लड़ाई भी थे कि दिखाया जाता था कि भेदभाव के खिलाफ लड़ाई है लेकिन ये वर्चस्व की भी लड़ाई थी कि अवसरों पर काबिज कौन होंगे तो एक ये भी उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा शूद्रों से या जातियों से जो भेदभाव होता है उससे समस्या नहीं है उन्हें यह समस्या है कि ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रख करके कहीं ना कहीं सारे अवसरों पर कब्जा कर लिया है हमें इन ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की जो थ्योरी है उस थ्योरी को खत्म करना है जिससे कि धीरे धीरे अवसरों से भी इनके जो कब्जा है वो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज से जो इनका एक अपॉर्चुनिटीज पर इन्होंने कब्जा कर रखा है वो धीरे धीरे रिलीज हो वो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए भी रिलीज हो और हम अपना समाज में एक स्थान बना सके ये चीज है तो ये भी हुआ है दक्षिण भारत के अंदर तो इन आंदोलनों ने ये आंदोलन सामाजिक और धार्मिक सुधार एक तरह से क्या आंदोलन है लेकिन ये धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलनों में कन्वर्ट हुए हैं अगर आप तमिलनाडु की जो बड़ी पार्टीज हैं जैसे कि डीएमके और ए जैसी पार्टी ये पार्टी इन्हीं जाति आंदोलनों से निकली पार्टी है पहले डीएमके की बात करें तो डीएमके इसी जाति आंदोलन से निकली हुई पार्टी है ये पहले तो जाति आंदोलन चला रही थी बाद में यह राजनीतिक संगठन बनी है वही पार्टी जो जाति आंदोलन चला रही है एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चला रही है वो पार्टी बाद में दिखाती है कि वह राजनीतिक ताकत बनना चाहती है और यह काम उत्तर भारत में भी हुआ है बी अगर आप देखें तो मूवमेंट तो पहले जो है वो कहीं ना कहीं एससी कम्युनिटी के राइट्स का मूवमेंट था लेकिन बाद में उसको पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट किया गया एक राजनीतिक आंदोलन में उसको परिवर्तित किया गया ये हुआ है ठीक है तो इस इस पूरे आंदोलन के अंदर तमाम पक्ष हैं बहुत सारे पक्ष हैं बहुत सारे स्टेक हैं जो लोग अन्याय का विरोध कर रहे हैं वो कुछ जगह खुद भी किसी प्रकार का अन्याय में लिप्त है या उनकी सोच वैसी ही सोच है बरहाल ये सब ये जो ये अब सवाल ये उठता है कि जातिगत आंदोलन सेंचुरी में खड़े क्यों हुए ये नाइनटीन सेंचुरी में खड़े होने का एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल भी है अंग्रेजों का शासन भी है अंग्रेजी शासन ने जिस तरीके से भारत में एजुकेशन सिस्टम को बदला अंग्रेजी शासन ने जिस तरह से भारत में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर वो लोग जो कि पढ़े लिखे थे वो लोग पहले तो रोजगार के अवसर किनको मिलने लगे अवसर ज़्यादा रोजगारों पर और आर्थिक स्थिति को सुधार करने में अवसर किनको मिल रहे थे नए अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए स्ट्रक्चर में जो लोग पढ़े लिखे हों जो लोग अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे हों ऐसे लोग जो आगे आ चुके हों जो वेस्टर्नाइज हो चुके हों जो पश्चिमीकृत हो चुके हों जो मॉडर्नाइज हो चुके हों ऐसे लोगों को अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए नई आर्थिक संरचना में मौका था और क्योंकि शास्त्रों का हवाला देकर वेदों का हवाला देकर एक लंबे समय तक ब्राह्मणों ने जो है अपने को श्रेष्ठ बनाए रखा बहुत सारे बहुत सारे जातियां जो अपने आप को श्रेष्ठ समझती थी पर शास्त्रों के डर के कारण और बहुत सारी जो डर दिखाए गए थे कल्चर के नाम पर वैदिक कल्चर के नाम पर और तमाम तरीके से जो डर दिखाए गए थे इसके कारण वो अपने आप को बहुत सारी जातियां श्रेष्ठ तो समझती थी लेकिन अपने आप को ब्राह्मणों से निचले पायदान पर समझती थी इसलिए वो ब्राह्मणों का विरोध करने का भी हिम्मत नहीं करती थी लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा इसके कारण लंबे समय तक ब्राह्मणों का एक ब्राह्मण अगड़े बने रहे इस व्यवस्था के अंदर वो महान बने रहे इस व्यवस्था के अंदर क्योंकि सारे के सारे शास्त्र भारत में सारे के सारे कर्मकांड जो थे वो ब्राह्मण के चारों तरफ घूमते थे ना तो किसी व्यक्ति का मरना ब्राह्मण को खुश किए बिना संभव था आत्मा की शांति भी संभव नहीं थी किसी बच्चे का नामकरण है तो भी पंडित जी आएंगे और ब्राह्मण आएंगे शादी होगी तो ब्राह्मण करवाएगा और किसी की डेथ हो गई तो उसका अंतिम संस्कार भी ब्राह्मण करवाएगा किसी के भी जीवन में ये तीन मुख्य बातें हैं जन्म विवाह और मरना जीवन के जो पक्ष हैं उनमें ये तीन पक्ष जुड़े हुए हैं तो ये तीनों ही अधूरे हैं शास्त्रों की अगर मान लें उनके हिसाब से जो शास्त्र गढ़े गए उनके हिसाब से उस आदमी में डर रहता था यार पंडित जी को कैसे नाराज करें ये विवाह में अड़चन डाल देंगे इनके बिना विवाह संभव नहीं है आत्मा को शांति नहीं मिलेगी इनके बिना तो इन उन्होंने सही मंत्र नहीं पढ़े तो और नामकरण संस्कार और जन्म के बाद होने वाले सारे संस्कार जो है वो सब हमारे अधूरे रह जाएंगे और जीवन में तमाम इतने संस्कार होते रहते हैं आपने अपने जीवन में कितनी बार पंडित जी का सामना किया ही होगा ना आप भी करते होंगे तो इतने मौके थे कि वहां पर उस ब्राह्मण के पास वो मौका था कि वो ये दिखा सकता था

उसके होने लगे तो इस वजह से जो अन्य जातियां थीं उनमें इसको लेकर के एक फ्रस्ट्रेशन आने लगा उन्हें लगा कि हमें पहले ब्राह्मण की श्रेष्ठता का जो ये एक मिथ है इस मिथ को चैलेंज करना होगा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का जो ये मिथ है इसको चैलेंज करना होगा इसकी चुनौती देनी होगी इसको तोड़ना होगा तभी हम उसका अवसरों से कब्जा छीन पाएंगे तभी हम उसका एजुकेशन से कब्जा छीन पाएंगे और तभी हमारी अगली जनरेशन इसमें आगे बढ़ेंगे अब ये हिम्मत वो कब कर पाए ये हिम्मत वो अंग्रेजों के आने के बाद ही क्यों कर पाए ऐसा इसलिए है ये हिम्मत वो इसलिए कर पाए क्योंकि अंग्रेज पूरी की पूरी भारतीय व्यवस्था भारतीयों से भेदभाव करते थे और उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी तो यानी कि घृणा तो भेदभाव से है ना तो जब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उससे घृणा पैदा हो रही है अंग्रेजों के शासन के अंदर एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की डिमांड की जा रही है पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो एजुकेट हो चुके हैं तो लोकतंत्र में तो सभी बराबर हैं वहां पर तो जनता में सभी को बराबर अधिकार और बराबरी की बात की जाती है तो जो वो वाली सोच थी उस सोच ने इन लोगों को भी रेवोल्यूशनइज किया इन लोगों को भी आ, एक एक प्रकार की तार्किक शक्ति पैदा करी कि यार हम ये अंग्रेजों के खिलाफ तो बोलते हैं कि भेदभाव भारतीयों के साथ हो रहा है पर भारत के अंदर भारतीय भारतीय के साथ भेदभाव कर रहा है वो उसको नीचा समझ रहा यूरोपियंस एशियंस को और इंडियंस को नीचा समझते हैं लेकिन इंडियंस के अंदर भी मैं भी इंडियन ये भी इंडियन लेकिन ये मुझे नीचा समझता है जैसे अवसरों पर कब्जा भारत के अवसरों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया है ऐसे ही जो अंग्रेजों से अवसर बचते हैं या उनके द्वारा जो क्रिएटेड भारतीयों के अवसर हैं उस पर ब्राह्मणों का कब्जा होता जा रहा है तो ये चीज आई तो कहीं ना कहीं जो एक डेमोक्रेटिक हवा भारत के अंदर चल रही थी जो एक नेशनलिज्म की हवा भारत के अंदर चल रही थी एक एंटी ब्रिटिश हवा भारत में चल रही थी उसी ने कहीं ना कहीं जाति गत आंदोलनों को भी हवा दी है या उस सोच को हवा दी है जिसके अंदर वो लोग हिम्मत कर पाए ब्राह्मणों की इस जो व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा तय की गई थी उस पर चोट पहुंचाने के लिए उसका विरोध करने के लिए अब उसके तरीके अलग है। अलग हैं अलग अलग प्रकार के लेख लिखे गए जैसे दक्षिण भारत के बहुत सारे पढ़े लिखे गैर ब्राह्मण जातियों के पढ़े लिखे बहुत सारे लोग ने जो है ऐसे लेख लिखे और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से दक्षिण भारत की कल्चर द्रविड़ संस्कृति है और वैदिक संस्कृति के लोगों ने द्रविड़ संस्कृति को कुचला है और वैदिक संस्कृति के लोगों ने द्रविड़ संस्कृति के लोगों के अवसरों पर कब्जा कर लिया है और जो ब्राह्मण निकला है वो वैदिक संस्कृति से निकला है तो कहीं ना कहीं द्रविड़ वर्सेस वैदिक करवा करके वो कहीं ना कहीं नॉन ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण वाली एक आंदोलन छेड़ने की कोशिशें भी उस दौर में दक्षिण भारत के बहुत सारे लेखकों ने की हैं ये काम भी हुआ है तो तमाम कई तरीकों से इस आंदोलन को चलाया गया है तो ये तो एक, एक ओवरव्यू है इसको समझिए कि ये ओवरव्यू इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व है कई सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं बेसिकली बात समझ में अगर आई हो तो आपको मैं वर्चुअल क्लास में अब लेकर के चलता हूं जरा और वर्चुअल क्लास में जरा नोट्स के साथ समझते हैं चीज़ें अच्छा बच्चों ऐप पर मैं अभी बता रहा हूं कल साढ़े ग्यारह बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है पब्लिक एड की क्लास में आ, मुझे क्लास के अंदर ही कुछ नोट्स बनवाने हैं तो पेन और कॉपी लेकर के आना अपने नोटबुक अपनी पपैड की नोटबुक लेकर बैठना और जो है तो कल साढ़े ग्यारह बजे पबाड की क्लास है उसके बाद हिस्ट्री का जो दो बजे का लेक्चर होता है आपको वो हिस्ट्री क्या सॉरी मैथ्स का जो दो बजे सत्यन्द्र सर का लेक्चर होता है वो लेक्चर कल लाइव नहीं होगा कल सतेंद्र सर की लाइव क्लास नहीं होगी कल जो है उनकी रिकॉर्डेड सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आएगा सिंपल इंटरेस्ट अभी आपका हुआ नहीं है वो हमने रिकॉर्ड कर रखा है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस रिकॉर्ड पहले ही हो चुके थे तो वो वीडियो आप लोगों के सामने आएगा तो मैथ्स आपको पढ़ने को मिलेगा शाम को छः बजे इकोनॉमी की क्लास है ऐप पर साढ़े छः बजे से सॉरी साढ़े छः बजे इकोनॉमी की क्लास है कल यूट्यूब चैनल पर आज हिस्ट्री की मैं क्लास ले रहा हूँ कल मैं हिस्ट्री नहीं लूँगा परसों फिर हिस्ट्री की क्लास लूंगा लेकिन कल यूट्यूब चैनल पर भी दो वीडियोज आएंगे करंट अफेयर का एक वीडियो आज आया है कल फिर एक और करंट अफेयर का वीडियो आएगा प्लस कल मैथ्स की जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है वो कल यूट्यूब चैनल पर भी वो भी आएगी तो मैथ्स की पहली क्लास है सिंपल uh, इंटरेस्ट uh, uh, की वो कल यूट्यूब चैनल पर भी आएगी तो जो लोग मैथ्स कर रहे थे वो वाला टॉपिक वहाँ से कर सकते हैं ठीक है तो ये तो कल का शेड्यूल रहा बाकि अब uh, जरा वर्चुअल क्लास में लेकर चलता हूँ आप लोगों को ओरिजिन ऑफ कास्ट मूवमेंट इन इंडिया जरा साथ में पढ़ते चलिएगा और समझाता चलूँगा काफी सारे पेजेस हैं तो जरा समझते हैं कास्ट मूवमेंट्स वर एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लार्जर नेशनल एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन पीपल कास्ट मूवमेंट्स वर एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लार्जर नेशनल एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन पीपल भारतीय लोगों की मानवीय जागरूकता और भारतीय लोगों की राष्ट्रीय जागरूकता का की अभिव्यक्ति जो है वो है जातीय आंदोलन मैंने कहा ना ये जो जातीय आंदोलन है ये जातीय आंदोलन एक राष्ट्रीय है ये जातीय आंदोलन जो है ये राष्ट्रीय अभिव्यक्ति भी करती है और ये जातीय आंदोलन जो है कहीं ना कहीं एक मानवीय जो मानवता है मानवता के प्रति जागरूकता है उसकी अभिव्यक्ति भी करता है क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में बराबरी के सिद्धांत की बातें हो रही थी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भेदभाव के खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर अगर हम देखें तो एक लोकतंत्रात्मक सोच की आवाज़ उठाई जा रही थी तो वो सारी चीज़ें प्रेरित करती हैं कि इंसान इंसान के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए तो वहीं से वो तर्क भी आता है कि जो कास्ट मूवमेंट है वो कास्ट मूवमेंट खड़े होते हैं आदित्य किशोर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट में मेरे सामने क्वेश्चन आया है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और आंसर भी कर देता हूं यहीं पर सर प्रॉब्लम वाज़ इन वर्णा सिस्टम और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्णा सिस्टम फॉर डोमिनेशन सिंपल सी बात है इट देर वॉज द प्रॉब्लम इन दर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ना सिस्टम बट इफ there was a continuous persistence of the misinterpretation of varna system then that varna system must be abolished it's my personal opinion कि एक चीज की का दुरुपयोग या एक चीज का गलत उपयोग जो है लंबे समय से हो रहा है और उसके माध्यम से गलत किया जा रहा है तो या तो जिम्मेदारी ली जाए समाज के द्वारा और उसका गलत उपयोग जो हो रहा है उस गलत उपयोग को रोका जाए लेकिन अगर उसके गलत उपयोग को नहीं रोका जाएगा लंबे समय तक और उसके गलत उपयोग के कारण शोषण होता रहेगा तो फिर उस चीज को ही समाप्त करने की आवाज उठनी शुरू हो जाएगी यानी वर्णा सिस्टम को ही खत्म करने की आवाज उठेगी ही उठेगी और उठनी चाहिए भी क्योंकि जिन लोगों को वर्णा सिस्टम से लगाव है जो लोग वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वह वर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग होने से रोकें अगर कोई वर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है या सही अर्थांगण नहीं कर रहा उसकी आड़ में शोषण करने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी उनकी है जो लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं ना कि उनकी है जो वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं जो विरोधी हैं वो तो चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए तो फिर अगर वर्ण व्यवस्था से लगाव है तो वर्ण व्यवस्था सही से अप्लाई हो रही हो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जिन्हें उस व्यवस्था से लगाव है बेसिकली, बात बात है। इस इस बात को भी समझने की जरूरत है ए, मैं हमेशा कहता हूं जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारे लोगों को आरक्षण से समस्या है ना जिन लोगों को आरक्षण से समस्या है जो लोग कहते हैं कि आरक्षण सही नहीं है तो फिर वो जो लोग कहते हैं कि समान ट्रीटमेंट होना चाहिए आरक्षण सही नहीं है तो आरक्षण आया क्यों था आरक्षण आया था जो समाज के अंदर भेदभाव था उस भेदभाव के प्रभाव को नलीफाई करने के लिए उस प्रभाव को दूर करने के लिए आरक्षण आया था तो जो लोग नहीं चाहते कि आरक्षण व्यवस्था रहे खत्म हो जाए ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज में कहीं पर भी भेदभाव देख रहे हो तो उस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ शोषण का विरोध अपर कास्ट से आना चाहिए लोअर कास्ट के शोषण का के विरोध में आंदोलन लोअर कास्ट ना चलाए उसे चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बल्कि अपर कास्ट को चलानी चाहिए अगर अपर कास्ट के द्वारा लोअर कास्ट का शोषण हो रहा है और उसके एक परिणाम स्वरूप आरक्षण की व्यवस्था आई है और आप चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए तो पहले आंदोलन तो करिए उस शोषण के खिलाफ वो शोषण के खिलाफ आंदोलन भी उन्हीं को करना होगा जो कि समानता के नाम पर आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं सिंपल सी बात है तो ये जिम्मेदारी फिर उन्हीं की बनती है तो ये चीज समझनी होगी वरना तो फिर वो व्यवस्था के ही खिलाफ आवाज उठेगी ही उठेगी तो व्यवस्था का मिस इंटरप्रिटेशन लंबे समय से हो रहा है ना सदियों से हो रहा है ना तो जब सदियों से वर्ण व्यवस्था का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है और जो लोग चाहते हैं वर्ण व्यवस्था रहे उन्हीं को वर्ण व्यवस्था के मिस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ आंदोलन भी चलाना चाहिए चलाना उसको पड़ता है जिसका शोषण हो गया उसकी आड़ में लोग कह तो वो आंदोलन तो उन्हें चलाना चाहिए जो चाहते हैं उनके सिस्टम पर कोई हमला ना हो तो उन्हें अपने सिस्टम को ठीक रखना होगा ये चीज है आई होप बात समझा पाया होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो देवर देवर एक्सप्रेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक अवेकनिंग ऑफ द लोअर कास्ट तो जो निचली जातियां थी जिन्हें उस समय निचली जातियां मेरे हिसाब से कोई निचली जाति नहीं लेकिन जिन्हें माना जाता था उस दौर में निचली जातियां उन्हीं के अंदर जो लोकतंत्रात्मक भावना पैदा हुई उसी की अभिव्यक्ति ये जाति आंदोलन है लोकतंत्रात्मक भावना मतलब सभी को बराबर की नजर से देखने की भावना आगे बढ़ते हैं द ग्रोइंग कॉन्शियसनेस टू वोट देअर बेसिक ह्यूमन राइट्स वॉज अ पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अवेकनिंग तो ये 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 पॉइंट मैं समझा ही चुका हूं आपको कि उनके अंदर जो एक जागरूकता पैदा हुई मानव अधिकारों के प्रति इन जातियों के लोगों के अंदर और एक राष्ट्रवादी लोकतंत्रात्मक जागरूकता जो आई उसने जाति आंदोलनों को भी छेड़ा इन द वेक ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस विच रेस्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इक्वेलिटी एंड डेमोक्रेटिक स्प्रिट परकोलेटेड अमंग द इंडियन मासेस जो एक नई व्यवस्था मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक नया सिस्टम लाया गया एक नया एजुकेशन सिस्टम आया एक नया पॉलिटिकल राजनीतिक सिस्टम आया एक नई आर्थिक व्यवस्था आई और ये किस पर निर्भर थी ये व्यवस्था में जो एक पक्ष था महत्वपूर्ण पक्ष था वो था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारत में व्यक्ति व्यक्ति को अंतर करके देखा जा रहा था अंग्रेज सारे भारतीयों के साथ वो अंतर अलग करते थे लेकिन वो भारतीय भारतीयों के बीच में भेदभाव नहीं कर रहे थे उन्हें जो भेदभाव करना था वो पूरी की पूरी एशियन कम्युनिटी के साथ ही कर रहे थे लेकिन वो एशियन कम्युनिटी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर नहीं कर रहे थे लेकिन जो आ, इंडियंस थे वो अपने लोगों के बीच में भी जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे थे तो जो नया एजुकेशन सिस्टम और नया इकोनॉमिक सिस्टम आया इसने इंडिविजुअल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की समानता की बात की और डेमोक्रेटिक स्प्रिट जैसी सोच जो है वेस्ट से इधर आई तो भारतीय जनता के अंदर यह सोच आई दीस फोर्सेज स्टूड इन कॉन्ट्रास्ट टू द फ्यूडल एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन क्लास कास्ट प्रिविलेजेस एंड सोशल स्टेटस एंड दिस इंस्पायर्ड अभी समझा रहा हूं बस नोट्स देख लीजिएगा एंड दिस इंस्पायर्ड सोशली सबमर्ज क्लासेज टू ब्रेक थ्रू ऑल शेकल इमो तो ये जो वेस्ट से लोकतंत्रात्मक लोकतंत्र आई, आई, आई जो इंडिविजुअल uh, लिबर्टी की सोच एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सोच आई जो एक इक्वालिटी वाली सोच वेस, वेस्टर्न सिस्टम से इंडिया में आई इसने प्रभावित किया यहाँ के इन लोअर कास्ट के लोगों को और उन्हें खड़े होने के लिए उसने प्रेरित किया कि किसके खिलाफ खड़े हो इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम के खिलाफ इंडिया के फ्यूडल सिस्टम सामंती व्यवस्था के खिलाफ और भारत की पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ जो कि किस पर आधारित थी जो कि वर्ग पर आधारित थी जो कि जाति पर आधारित थी जो कि विशेष प्रिविलेजेस पर आधारित थी क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो प्रिविलेजेस वैश्यों को और शूद्रों को भारत में नहीं मिलते थे ब्राह्मण को ऊपर के स्थान पर ऊंचे स्थान पर बैठाया जाएगा बाकी नीचे बैठेंगे क्यों भाई ये प्रिविलेजेस दिए जाते थे ना उसके साथ ब्राह्मण घर में घुसेगा तो उसके पैर धोए जाएंगे और ना जाने क्या क्या रिचुअल्स बना रखे थे तो वो जो रिचुअल्स बना रखे थे वो सारे रिचुअल्स ये ट्रेडिशनल रिचुअल्स थे जो कि वर्ग आधारित थे कास्ट आधारित थे और प्रिविलेजेस आधारित थे वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को दे रखा है क्षत्रिय को भी दे रखा है लेकिन बाकी दो को नहीं दे रखा वेद पढ़ने का अधिकार उन्हें वेद पढ़ने से रोका जाता था आप उन्हें वेद के नाम पर वैदिक संस्कृति के नाम पर आप कह रहे हो कि तुम हिंदू हो और तुम वैदिक हो अगर वो हिंदु और वैदिक हैं तो ये सवाल तो वो खड़ा करेंगे कि फिर हमें वेद क्यों नहीं पढ़ने देते अगर हम हिंदू हैं और हम वैदिक हैं तो फिर वेद क्यों नहीं पढ़ने देते हमको सवाल उठाएंगे वो कुछ को कुछ को ही अधिकार क्यों दे रखा था तो बहुत सारी चीजों के अधिकार तो बेसिकली ये जो मंदिरों के पूजा पाठ करने के अधिकार उन्हीं को क्यों थे मंदिरों में एंट्री के अधिकार केवल ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को वैश्यों को थे शूद्रों को क्यों नहीं दे रखे थे तो ये जो बेस्ड ट्रेडिशनल सिस्टम था कास्ट बेस्ड ट्रेडिशनल सिस्टम था क्लास बेस्ड ट्रेडिशनल सिस्टम था और एक सोशल स्टेटस के आधार पर सामाजिक स्थिति क्या है उसके आधार पर जो ये सिस्टम था इसके खिलाफ बोलने की प्रेरणा अंग्रेजों के भारत में आने के कारण जो एक नया सिस्टम भारत में आया उससे वो प्रेरणा मिलती है ये चीज है कास्ट मूवमेंट्स वर फंडामेंटली द मूवमेंट्स टू अचीव मोबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द ग्रुप विच हैड लैग्ड बिहाइंड द ब्राह्मण्स इन वेस्टर्नाइजेशन लैग्ड बिहाइंड बाय द ब्राह्मण्स जो कास्ट मूवमेंट है जो जाति आंदोलन है बेसिकली आंदोलन जो था मैंने आपको बताया ये उन लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था जो कि ब्राह्मणों के द्वारा पश्चिमीकरण को अपना करके अन्य वर्गों को ब्राह्मणों ने पश्चिमीकरण को अपना करके जिन वर्गों को पीछे छोड़ दिया था उन वर्गों ने उन जातियों ने इकट्ठे होकर के इस आंदोलन को चलाया है क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ये ब्राह्मण हमसे आगे निकल चुके हैं अवसरों में वो मैं आपको पॉइंट समझा ही चुका हूं दे मेड असोल्ट ऑन द ब्राह्मण कल्चरल एंड सोशल एंड एक्सक्लूसिवनेस दे मेड ऑन द कल्चरल एंड सोशल प्रीडोमेंस एंड एक्सक्लूसिवनेस ब्राह्मण महान है विशेष है ब्राह्मणों का जो है समाज पर रुतबा होना चाहिए ब्राह्मणों का भारतीय संस्कृति के अंदर एक विशेष रुतबा होना चाहिए इन्होंने इसी बात पर चोट मारी कि क्यों होना चाहिए क्यों इनका जो है विशेष रुतबा संस्कृति पर होना चाहिए और जो है समाज पर इनको एक विशेष अधिकार क्यों मिलने चाहिए इस आंदोलन के दौरान इस पर सवाल खड़े करे गए ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन एजुकेशन एंड न्यू प्रोफेशन प्रोवाइड बल्क ऑफ स्टिमुलस फॉर दीज मूवमेंट्स एंड इट इज नो एक्सीडेंट दीज मूवमेंट्स वर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पेनिसर इंडिया वेयर वेयर इन द ओनली वन कास्ट ब्राह्मण गॉड डोमिनेंस इन वर्ना सिस्टम हम जो मैं जो इसमें जो समझाना चाह रहा हूं नोट्स के अंदर कि जो ब्राह्मण की डोमिनेंस थी एजुकेशन के अंदर और नई व्यवसायों के अंदर ब्राह्मणों की नए व्यवसायों के अंदर जो डोमिनेंस थी और जो एजुकेशन के अंदर ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी उस डोमिनेंस के कारण जो है आ, उ, उनका उनके खिलाफ विरोध करने की ठानी गई क्योंकि लोगों को लग रहा था हम तो रोजगार वगैरह में और इन सब में पिछड़ते जा रहे हैं इनकी वजह से इसलिए अब ये जो ये जो विरोध मैंने क्या कहा कि साउथ इंडिया से ही क्यों उठे हैं क्योंकि स्पेशली दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो वर्णा सिस्टम था उसमें ब्राह्मणों का स्थान बाकी सबसे बहुत ऊपर दे रखा था वहां पर जो सबसे ऊपर का स्थान था वो ब्राह्मण्स को दे रखा था उनके बराबर कोई नहीं था तो कि ऐसा नहीं था कि केवल शूद्रों के साथ भेदभाव था बाकी सब आपस में तय कर लो ब्राह्मण सबसे ऊपर का स्थान पर रहेगा ही रहेगा तो वर्णा सिस्टम में क्योंकि एकमात्र सबसे ऊपर की स्थिति ब्राह्मणों के पास ही थी नॉर्थ इंडिया के अंदर के जो शासक थे राजा थे वो क्षत्रिय होकर के उनका एक डोमिनेंस था ब्राह्मणों के होते हुए वहां पर वो ब्राह्मणों के डोमिनेंस को उन्होंने चैलेंज कर भी रखा था ब्राह्मण को वो सम्मान देते थे लेकिन उन्होंने अपने डोमिनेंस को मेंटेन कर रखा था सोसाइटी के अंदर साउथ इंडिया के अंदर ब्राह्मण्स का डोमिनेंस वर्णा व्यवस्था में सबसे ऊपर बहुत ज्यादा अन्यों से कई गुना ज्यादा था इसलिए साउथ इंडिया के अंदर यह आंदोलन ज्यादा मजबूत हुए और ज्यादा चले क्योंकि वहां पर कई प्रकार की जातियां जो जातियां शूद्रों में भी नहीं आती उन्होंने भी आंदोलन चलाया है द ब्राह्मणस इंजॉयड डोमिनेंस इन हायर एजुकेशन द ब्राह्मण इंजॉयड डोमिनेंस इन हायर एजुकेशन government employment and professions the brahmins enjoyed dominance in higher education government employment and professions uh, south india was also the region where a wide social and cultural gulf existed gulf matlab ek distance ek duri cultural gulf existed बिटवीन द ब्राह्मण्स एंड अदर्स दक्षिण भारत के अंदर ब्राह्मण भार, का अन्य जातियों के साथ एक जरूरत से ज्यादा डिस्टेंस था मतलब ब्राह्मण एक तरफ महानता में बाकी सब जातियां दूसरे पाले में आती थी ये होता था सो कास्ट मूवमेंट इमर्ज एज अ रेस्पॉन्स टू द चैलेंजेस रेज बाय द ब्राह्मण इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ दे इमर्ज एज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू कंटेंट विद द ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस तो ब्राह्मणों के वर्चस्व और उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए ये आंदोलन बेसिकली जीवन के हर क्षेत्र में चलाए गए एजुकेशन के फील्ड के अंदर व्यापार के फील्ड के अंदर रोजगार के फील्ड के अंदर सब जगह ब्राह्मणों को चुनौती देने की कोशिशें की गई इस आंदोलन के दौरान इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क अब ये हो क्यों पाया अंग्रेजों के समय के बाद भारत में कम्युनिकेशन नेटवर्क इंप्रूवड हुआ संचार इंप्रूवड हुआ जब संचार इंप्रूव होगा नई तरह की एजुकेशन भारत के अंदर आई नई तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम भारत में आया तो लोग अपनी बात ज्यादा तक पहुंचा सकेंगे सपोज कोई व्यक्ति जिसके साथ शोषण हुआ उसके दिमाग में नए ख्याल आए उसे लगा और उसके पास नए लॉजिक्स आए जो उसने उस शोषण को झेलने के दौरान महसूस किया कि हमें ब्राह्मणों को चुनौती देनी चाहिए लेकिन अगर संचार की बातें संचार का तंत्र नहीं है तो आप लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कैसे जैसे आज आपके पास ट्विटर है फेसबुक है लेकिन कुछ समय पहले तक दस साल पहले तक यह नहीं था तो आपकी बात पहुंचाने वाला तंत्र क्या था अखबार और जो है न्यूज चैनल्स अब आप कोई बात अखबार के मीडिया के सामने अखबार वालों के पास लेकर के गए और वो आपकी बात छापे ही ना आप, और आज भी ऐसा हो जाता है तो वो आपकी सही बात को छापे ही नहीं तो आप लोगों तक वो सही बात पहुंचाएंगे कैसे या अपने तर्कों को पहुंचाएंगे कैसे चलिए आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनल्स भी मिल गए जब अखबार और न्यूज चैनल नहीं छापते तो लोग फेसबुक से ट्विटर से और, और कम्युनिकेशन चैनल से करते हैं तो जब बिल्कुल कम्युनिकेशन चैनल नहीं था तो एक व्यक्ति के दिमाग में सही तर्क आते भी थे उन शोषणों को झेलने के बाद जो ब्राह्मणों के खिलाफ सही बैठते लेकिन जब तक संचार का तंत्र थोड़ा बहुत भी भारत में नहीं आया था तो उनको फैलाते कैसे प्रसार कैसे करते जब तक प्रेस नहीं आया था तो उनको लोगों तक पहुंचाया कैसे जाता तो भारत में प्रेस आया कम्युनिकेशन नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग हुआ नई एजुकेशन सिस्टम आई जिसने सोचने के लिए मजबूर किया नया इकोनॉमिक सिस्टम आया जिसने लोगों को दिखाया कि हम पिछड़ रहे हैं देखो ये सारे रोजगार तो इन्हीं को मिल गए ये पहले हमसे समाज में आगे रहते थे अब ये हमारे से रोजगार में भी आगे हो गए तो ये जो सोच थी इसके कारण ये आंदोलन पैदा हुए तो सो इम्प्रूवड कम्युनिकेशन नेटवर्क मेड वाइडर लिंक्स एंड कम्युनिकेशन न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रमोशन, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रूल ऑफ लॉ अंडरमाइंड सर्टेन प्रिविलेजेस जब अंग्रेजी पहले क्या होता था राजा का कानून होता था और राजा ब्राह्मणों के साथ एक नेक्सस था और ब्राह्मणों के ही इशारों पर काम करता था जो पुरोहित होता था राज पुरोहित होता था या राजगुरु होता था उन्हीं के इशारों पे काम करता था तो नियम कानून जो राजा बनाता था वो ब्राह्मणों के कहने पे उनके हिसाब से बनाता था पर जब अंग्रेजी शासन भारत में आया तो रूल ऑफ लॉ विधि का शासन जैसी सिस्टम ब्रिटिश लॉ जो आज भी भारत का हिस्सा है तो वो सब आए तो रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ इस तरीके की चीजें जब सामने आई तो इन सब नए तरह की व्यवस्थाओं कानूनी नई व्यवस्थाओं ने भी इन जातियों को एक कॉन्फिडेंस दिया कि इन्हें अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए जब ब्राह्मण के खिलाफ आवाज उठानी है और ब्राह्मण दंड देगा राजा और ब्राह्मण राजा और राजा ब्राह्मण के कहने पर ही चलता है तो कैसे ब्राह्मण के खिलाफ आवाज उठाएं सवाल यह था तो कैसे उसके खिलाफ आवाज उठाएं लेकिन जब ये नया लीगल सिस्टम आया इंडिया के अंदर उसने भी मदद की आवाज उठाने में तो रूल ऑफ लॉ अंडरमाइंड सर्टेन प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन डिसमेंटल सोशल बैरियर्स ये सामाजिक बैरियर टूटे इन सब कारणों से सामाजिक आर्थिक बदलाव के कारण नई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण कानूनी नई व्यवस्था आने के कारण जो कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिलते थे उनके वो विशेषाधिकार धीरे धीरे छिनने लगे Why डिड अब अगला इशू पर बात करते हैं Why डिड कास्ट मूवमेंट इमर्ज मेनली इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया मुख्य रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में कास्ट मूवमेंट ये जातिगत आंदोलन क्यों शुरू हुए इसमें महाराष्ट्र साइड में एक बहुत बड़ा कारण तो ज्योतिबा फूले का है ज्योतिबा फूले ने इस आंदोलन को बहुत अच्छे से चलाया वो थे ही महाराष्ट्र में तो उन्होंने चलाया उनका एक बहुत बड़ा योगदान है अभी बात करते हैं इस पर द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय वर्णाश्रम दैट इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ध्यान से पड़ेगा फिर इसे भी मैं समझाऊंगा बोर्ड पर The traditional social stratification in Maharashtra was governed by Varnashram. That is the division of society into an unequal hierarchical order comprising Brahmins, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Due to, abhi samjhaadunga pehle padho, due to this Brahmin caste got many rights and privileges which maintained their control over society. एंड मेड देम सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग मैनी सुपरस्टिशंस महाराष्ट्र में हुआ क्या इस पर ही समझा रहा हूं ये जो खाली एरिया है बच्चों अब महाराष्ट्र में हुआ क्या महाराष्ट्र के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वर्णाश्रम सिस्टम था इस स्ट्रॉन्ग वर्णाश्रम सिस्टम में एक हरारकी थी एक ऊंच नीच क्रम था ऊपर से नीचे का क्रम था इस हरारकी में वर्णाश्रम का एक मतलब तो ये ना कि भाई चार तरह के काम चार तरह के लोग करेंगे तो तो समझ में आता है लेकिन इसमें यह बड़ा होगा इससे छोटा यह होगा इससे छोटा यह होगा इससे छोटा यह होगा अगर आप इस तरीके का इंटरप्रिटेशन कर देंगे तो इस हरारकी में जिसे सबसे ऊपर रखेंगे वर्चस्व उसका समाज पर आ ही जाएगा तो महाराष्ट्र में यही हो रहा था आप देखो वरना सिस्टम बनाने के दो तरीके हो सकते हैं ना एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है ये क्या था कि भाई एजुकेशन uh, शिक्षा और कल्चर का काम ब्राह्मण देखेंगे दूसरा डिफेंस रक्षा का काम जो है वो क्षत्रिय देखेंगे उसके अलावा जो बिजनेस uh, है बिजनेस का काम व्यापार का काम जो है वो वैश्य देखेंगे और जो सर्विस है सेवा है उसका काम शूद्र देखेंगे मान लेते हैं एक सिस्टम तो ये है इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है ये भी वर्णा सिस्टम है ना इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है बल्कि चार अलग अलग तरीकों के काम चार अलग अलग वर्ण में पैदा हुए लोग कर रहे थे ये बात है लेकिन अगर आपने इसी वर्णा सिस्टम को इंटरप्रेट इस तरीके से कर दिया वर्टिकली कर दिया जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया साउथ इंडिया में किया गया आपने इसे वर्टिकली कर दिया कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम है एजुकेशन शिक्षा और जो कल्चर है जो कल्चर का पार्ट है संस्कृति का पार्ट है धर्म कर्म कांड का पार्ट है ये ब्राह्मण देखेंगे उसके नीचे का काम जो है वो है डिफेंस उससे कम इम्पोर्टेंस का काम उससे नीचे का काम है डिफेंस वो क्षत्रिय देखेंगे उसके बाद उसके नीचे का काम है व्यापार बिजनेस वो वैश्य देखेंगे और सबसे व, व, कम इंपॉर्टेंस का काम है सर्विस जो कि शूद्र देखेंगे तो अब इसमें हर ये बना दी अब इतने बड़े समाज के अंदर इस वर्ग में पैदा हुए लोग सबसे ऊपर आ गए और ये नीचे आ गए तो ये जो इंटरप्रिटेशन गलत किया गया वेस्ट में तो उसके कारण भी वहां पर आंदोलन जो है वो चलेगा ही चलेगा क्यों क्योंकि ये जो है इन तीनों के साथ भेदभाव करना शुरू करेगा ये जो है अपने आप को इन दोनों से श्रेष्ठ समझेगा वो भी सोच आएगी तो ये इससे परेशान होगा या ये इससे परेशान होगा लेकिन ये फिर भी इनके साथ मिलना नहीं चाहेगा वो इससे परेशान होकर के ब्राह्मण से परेशान होकर के जो क्षत्रिय है वो परेशान भले रहेगा पर इसी के साथ रहना चाहेगा वो नीचे वाले अपने से नीचे वालों के साथ बैठने की बजाय इन दो के साथ बैठना पसंद करेगा अगर आपने इंटरप्रिटेशन वर्टिकल कर दिया है ये हुआ वहां पर तो उसके कारण हुआ क्या कि ब्राह्मण का डोमिनेंस सोसाइटी पर आ गया क्षत्रिय अपने आप को महान तो समझ मतलब क्षत्रिय से मतलब जो वहां की बहुत सारी जातियां ऐसी थी जो अपने आप को महान तो समझ रही थी लेकिन वो अपने आप को शूद्र भी नहीं समझ रही थी लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण से नीचे समझती थी ये होता था अब आ जाओ नोट्स पर ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय वर्णाश्रम दैट इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन टू एन अनईक्वल हरारकी इक्वालिटी थी नहीं किसी को बड़ा माना जा रहा है किसी को छोटा माना जा रहा है अनईक्वल हरारिकल ऑर्डर कंप्राइजिंग ब्राह्मण क्षत्रिय एंड शूद्र इस ऑर्डर में जो है हरारकी बनाई गई पद सोपान बनाया गया ड्यू टू दिस ब्राह्मण्स कास्ट गॉट मैनी राइट्स एंड प्रिवरेजेस विच मेंटेन देअर कंट्रोल ओवर सोसाइटी एंड मेड दैम सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग मैनी सुपर स्टेशन अब फिर सारी की सारी व्यवस्था क्योंकि इस व्यवस्था में सबसे ऊपर इस ब्राह्मण को बैठा दिया गया तो पूरा के पूरी व्यवस्था किसके कंट्रोल में आ गई ब्राह्मण के हिसाब से ब्राह्मण ने पूरे तंत्र को सेट करना शुरू कर दिया पूरे तंत्र के बारे में व्यवस्थाएं बतानी शुरू कर दी और उसके कारण उसने बहुत सारे अंधविश्वास भी सेट करने लगा वो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास सेट करने लगा जिससे कि उसका वर्चस्व और मजबूत होता जाए कोई उसके वर्चस्व को हिला ना सके ये अब वो क्या बोल देगा ब्राह्मण की मेरे अंदर ईश्वर बसते हैं मैं ईश्वर का एजेंट हूं एक तरह से यहां पर तो इसलिए जो मेरा विरोध करेगा वो एक तरह से ईश्वर का विरोध कर रहा है सपोज यही लाइन उसने बोल दी तो फिर अब ब्राह्मण कुछ गलत भी करेगा तो उसके खिलाफ विरोध नहीं होगा कंटेप्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा बात ये फिर एक रुपये दे करके छूटना पड़ेगा है ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता था क्योंकि ब्राह्मण उस व्यवस्था को तय कर रहा है और फिर वही जो है वो अगर कुछ गलत करे तो आपने ब्राह्मण को चैलेंज किया तो वो कहेगा अच्छा इसे चैलेंज करने का मतलब भगवान को चैलेंज करना है ब्राह्मण कभी कुछ गलत कर नहीं सकता आपने ये एक अंधविश्वास पैदा कर दिया उसकी आड़ में वो गलत भी कर उसमें बहुत सारे पुजारी और वो गलत भी करते थे लेकिन उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठ पाती थी तो उसने बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी क्रिएट करने शुरू कर दिया ये होता था इन महाराष्ट्र अब यहां समझिएगा इस बात को ध्यान से इन महाराष्ट्र कुनबी ये वहां की एक जाति है ये मराठा मराठी है इनकी वहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है इन महाराष्ट्र कुनबी और मराठास यही मराठास हैं वर द मेन कम्युनिटीज वर द मेन कमिटीज़, विच वर आल्सो इकोनॉमिकल पावरफुल इन रूरल सोसाइटी महाराष्ट्र के अंदर जो कुनबीज थे कुनबीज या मराठी जो थे वो जनसंख्या में सबसे ज्यादा थे और वो ग्रामीण समाज में बहुत पावरफुल भी थे आर्थिक रूप से भी वो काफी मजबूत थे और, और शक्तिशाली थे समाज के अंदर लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनल बिलीफ थी वो परंपरागत रूप से सोचते थे इसलिए वो महाराष्ट्रियन समाज में महाराष्ट्र के समाज में सबसे मतलब काफी ताकतवर होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने के बावजूद भी अपने आप को ब्राह्मणों से छोटा समझते थे क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिलीफ वो कल्चर की बिलीफ उनके अंदर थी तो बट देयर बिलीफ इन ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी मेड देम सबसर्वेंट टू द ब्राह्मण्स ब्राह्मण से उनके अंदर मन में रहता था कि नहीं हम इनसे तो छोटे हैं ये बात है चाहे वो पैसे से और रुतबे से ब्राह्मणों से ज़्यादा ताकतवर हो जाए लेकिन ट्रेडिशनली सोच के कारण वो उनको उनसे अपने आप को छोटा समझते थे ड्यू टू रियलिस्टिक पावर ब्राह्मण्स गॉड मोनोपली ऑन लर्निंग एंड नॉलेज अब ये जो वर्टिकल हरारकी बना दी गई इसके कारण पढ़ने लिखने पर कब्जा जो था वो ब्राह्मण का हो गया तो ज्ञान पर कब्जा जो था ज्ञान पर जो मोनोपोली थी एकाधिकार था वो ब्राह्मण्स का आ गया दैट इज वाई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्राह्मण्स गॉट मेजोरिटी ऑफ जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस अब जब ब्रिटिश सरकार यहां आई तो वो कोई जाति के आधार पर जॉब नहीं दे रही थी ब्रिटिश सरकार ने जब यहाँ आपका जॉब स्ट्रक्चर चेंज किया एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर चेंज किया और जॉब वाला सिस्टम लाए तो वो कुछ जाति के आधार पर नहीं दे रही थी वो नॉलेज के आधार पर दे रही थी नॉलेज के टेस्ट लेके एग्जाम्स लेकर के उन सब मेरिट के बेस पर वो जॉब दे रही थी अब उसमें तो क्योंकि कब्जा ही नॉलेज के सेक्टर पर ब्राह्मण्स का था तो प्रशासन के अंदर ज्यादातर सर्विसेज के अंदर ज्यादातर सेवाओं पर कब्जा किन का हुआ ब्राह्मण या उनके बच्चों का हो गया इट वॉज इट वॉज दिस ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर विच केम अंडर हैवी फायर फ्रॉम बोथ द क्रिश्चन मिशनरीज एंड सम नेशनलिस्ट ऑफ मॉडर्न लिबरल आइडियाज अब इस पर जो है जब अंग्रेजी सिस्टम यहाँ आया तो इस पर चोट उन लोगों ने भी मारी जो लोग इसे गलत समझ रहे थे और जो लोग कह रहे थे यार हमारे बच्चों के हाथ से तो अवसर निकलते ही जा रहे हैं उन्हें तो रोजगार नहीं मिल पा रहा जॉब नहीं मिल पा रही तो ऐसे लोगों ने भी विरोध करना शुरू किया दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी ब्राह्मणों पर अटैक करना शुरू किया क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज का टारगेट क्या था हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना उन्हें यह पता था कि जब तक समाज पर ब्राह्मण का कंट्रोल है कोई भी वर्ग की हिम्मत नहीं है कि वो कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियनिटी में आ जाए तो सबसे पहले ब्राह्मण के वर्चस्व को तोड़ा जाए उसका जो कंट्रोल है वो तोड़ा जाए तो उसको तोड़ा जाए उसको डिमाइन किया जाए उसको जो है डिमीन किया जाए उसको उ, उसके वर्चस्व पर हमला किया जाए उसके प्रिविलेजेस पर हमला किया जाए जो वो कंट्रोल करता है पूरे हिंदू समाज को उस कंट्रोल को खत्म किया जाए उस पर अटैक तो क्रिश्चियनिटी ने भी ब्राह्मणों की जो प्रिविलेजेस थे उनकी जो श्रेष्ठता थी उनकी जो महानता बनाई गई थी ब्राह्मणों के द्वारा खुद ही बनाई गई थी उस पर सवाल खड़े करने क्रिश्चियन मिशनरियों ने भी शुरू करे तो दो तरफ से अटैक हुआ है उसके ऊपर द अर्ली रेडिकल रिफॉर्म्स लाइक ज्योतिबा फूले ये रिफॉर्मिस्ट द अर्ली रेडिकल रिफॉर्मिस्ट लाइक ज्योतिबा फूले ट्राइड ये महाराष्ट्र में हुए ज्योतिबा फूले बहुत नाम है आज इनकी फोटो इनकी और इनकी पत्नी की फोटो ही मैंने आज के वीडियो में शुरुआत में लगाई है द अर्ली रेडिकल रिफॉर्म्स लाइक ज्योतिबा फूले ट्राइड फॉर अ रेवल्यूशनरी रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी इन्होंने इस आंदोलन को महाराष्ट्र के अंदर चलाया 1873 के आसपास इस आंदोलन को उन्होंने चलाया महाराष्ट्र के अंदर सत्यशोधक समाज के नाम पर उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था कि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हिंदू कल्चर का इसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है अब इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि इस ट्रेडिशनल सिस्टम के कारण हिंदू समाज में केवल एक ब्राह्मण वर्ग आगे जा रहा है बाकी सब वर्ग पिछड़े पिछड़ते जा रहे हैं स्पेशली जो एस सी कमिटी है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ती जा रही है जब आप उसे किसी सामाजिक समारोह में कहीं स्थान पर खड़े भी नहीं होने दोगे तो उसे अवसर कैसे मिलेंगे उसको ज्ञान कैसे मिलेगा ये समस्या थी तो आप उसे आप किसी व्यक्ति को पिछड़ा करने आप उसे ज्ञान से महरूम कर दो आप उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिले मत दो अपने साथ पढ़ने मत दो जब ज्ञान से महरूम हो जाएगा तो वैसे ही पिछड़ा होता चला जाएगा वो तो तो ट्राइड फॉर अ रेवल्यूशनरी रिओर्गनाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड रेशनैलिटी तो तार्किकता और समानता के नाम पर इन्होंने जो है पारंपरिक हिंदू कल्चर में बदलाव की मांग उठाई ज्योतिबा फूले ने तो ही वॉज रेवोल्यूशनरी उन्होंने हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं पर ही सीधे सवाल खड़े करे जो कि उस समय पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी उस समय क्या आज भी है आज जरा सा धर्म पर बोलो अभी आपके घर में तोड़फोड़ करने वाले पहुंच जाएंगे अच्छा धर्म को गाली देता है धर्म को यह कहता है वो कहता है जबकि अगर आप उसमें सुधार की भी बात कह रहे हो अपने ही धर्म में सुधार के लिए आप खुद कह रहे हो तो भी आपको पीट पाट करके चले जाएंगे बहुत सारे पढ़े लिखे महान लोग जो हैं वो आ जाएंगे उनके पास उनके पास लट्ठ है हॉकी है वो इसी काम के लिए दी गई है हॉकी खेल के वो कोई गोल नहीं करेंगे वो सर फोड़ेंगे उस हॉकी से आकर के तो सीधी सी चीज़ ये है तो आज भी ऐसे लोग बहुत हैं उस जमाने में तो बहुत ही ज़्यादा था रूढ़ीवादिता बहुत ज़्यादा थी अब भी बहुत है अब तो मुझे लगता है तब से भी ज़्यादा हो गई है तो बेसिकली तो ये जो आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते उसके ऊपर तो उस दौर में ज्योतिबा फूले ने इस, इस चीज पर सवाल खड़े करे तो इसीलिए क्रांतिकारी बोलते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को खुले में चुनौती दी है उसके ट्रेडिशनल सिस्टम्स को चुनौतियां दी है इनके बाद आ, इनके बाद एक थोड़े से उदारवादी रिफॉर्मिस्ट आए वो भी इस जाति आंदोलन को चलाते हैं उदारवादी रिफॉर्मिस्ट आए एम जी जैसे लोग उनके बाद आए एम जी जैसे लोग महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जो है ट्रेडिशनल सिस्टम को अपनाए रखने की तो बात की लेकिन उस ट्रेडिशनल सिस्टम सिस्टम में उस कल्चर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की की बात की, कि भाई हम ट्रेडिशनल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की बात नहीं करें लेकिन उसमें जहां चीजें कुछ इलॉजिकल है उन इलॉजिकल चीजों को हटाने की बात कर रहे हैं तो एम जी राणाडे वगैरह भी रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने भी सुधार की कोशिशें की पर वो ज्योतिबा फूले जितने रेडिकल तो नहीं हो पाए थे यह है शायद इन्होंने एक बीच का रास्ता भी अपनाया हो क्योंकि नहीं लगता हो कि बहुत रेडिकल होने के कारण आप केवल विरोध का सामना कर पाओगे बदलाव नहीं कर पाओगे आप किसी व्यक्ति को बदलने के लिए आप उसका विरोध बहुत ज्यादा करोगे तो वो आपके कहने पर नहीं बदलेगा लेकिन अगर आप उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट करके आप उसे बदलने की कोशिश करोगे तो कुछ बातें वो आपकी मान लेगा तो शायद इस वजह से राणा डी ने बाद में ज्योतिबा फूले की चीजों को देख करके बाद में इन्होंने इन्होंने मतलब जो है थोड़ा सा एक मॉडरेट पाथ अपना लिया होगा सो इट वॉज द अर्ली रेडिकल ट्रेडिशन ऑफ फूले विच गेव बर्थ टू द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र तो गैर ब्राह्मण आंदोलन को महाराष्ट्र में शुरुआत किसने दी है वो ज्योतिबा फूले ने दी है ये है और क्यों आई है वहां पर वो मैंने आपको बता दिया नाउ जरा साउथ इंडिया की तरफ चलें तमिलनाडु में वहां की कहानी अलग है थोड़ी सी तमिलनाडु मैंने कहा अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कारण बन रहे हैं इन द मद्रास इन द मद्रास प्रेजिडेंसी द ब्राह्मण्स कॉन्स्टिट्यूटेड 3.3 परसेंट ऑफ हिंदू जो आज का तमिलनाडु है तब का मद्रास प्रेजिडेंसी था तो हिंदू जनसंख्या का तीन प्रतिशत तीन दशमलव तीन प्रतिशत जनसंख्या ब्राह्मण्स की होती थी तो बहुत ज्यादा जनसंख्या तो ब्राह्मण्स की नहीं थी वहां पर साउथ इंडिया के अंदर केवल सवा तीन परसेंट ब्राह्मण्स थे पूरी टोटल हिंदू जनसंख्या का ठीक है बट फिर भी वो डोमिनेट करते थे बट इन द रिचुअल्स डोमिनेटेड ट्रेडिशनल हायरार्की दे वर सुपीरियर टू अदर कास्ट क्यों वैदिक सिस्टम वर्ना सिस्टम के नाम पर सुपीरियर हो गए थे तभी वहां के बहुत सारे लोगों ने वैदिक सिस्टम पर ही सवाल खड़े करे कि हमारे को हमारी तो द्रविड़ संस्कृति है ये वैदिक संस्कृति कहां से ले आए पहले वैदिक संस्कृति लाए उस वैदिक संस्कृति के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया हमारी तो द्रविड़ संस्कृति थी उन्होंने उस सवाल को खड़ा करा तो बट इन रिचुअल्स डोमिनेटेड ट्रेडिशनल हर आर की टू अदर कास्ट ट्रेडिशनली बींग अ लिटरेट कास्ट द ब्राह्मि विक इन अडोप्टिंग इंग्लिश एजुकेशन एंड मोनो यह मोनोपोलिस्टिक होगा यह गलत टाइप हो गया बच्चों मोनोपोलिस्टिक पॉलिसिंग की जगह मोनोपोलिस्टिक कर देना एंड मोनोपोलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज इन प्रोफेशनस एंड कोलोनियल ब्यूरोक्रेसी मोनोपोलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज इन प्रोफेशन एंड कोलोनियल ब्यूरोक्रेसी तो क्योंकि तो एजुकेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा था वही बात यहां भी हुई इस वजह से ये इन्होंने जल्दी से जो है अंग्रेजी वगैरह शिक्षा को ग्रहण कर लिया और अंग्रेजों ने जो अवसर पैदा किए रोजगार के उन सब पर एकाधिकार ब्राह्मणों का साउथ इंडिया में आ गया दिस अराउज द हॉस्पिटैलिटी ऑफ नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज ये हॉस्पिटैलिटी होगा सॉरी अरे यार ये शायद मेरे से ना नॉन एडिटेड फाइल खुल गई आपको एडिटेड मिल जाएगी ये सब तो मैंने एडिट किया था आज शाम को शायद मेरे से गलती से फाइल में जो नॉन एडिट फाइल है वो खुल गई अब इसी से पढ़ा देता हूँ आपको जो नोट्स में मिलेगी वो एडिटेड फाइल मिलेगी शाम को मैंने कर दी थी एडिट दिस अराउज द हॉस्टैलिटी ऑफ नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज विच इन टर्न रिजल्टेड इन अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इस कारण से जब सारे अवसरों पर ब्राह्मणों का कब्जा होता गया तो जो गैर ब्राह्मण समुदाय के लोग थे उन्होंने जो है विरोध करना शुरू किया रीसेंट हिस्टोरिकल वर्क शो दैट द तमिल रिनेसा हैज रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इट्स पॉलिटिक मैनिफेस्टेशन वॉज द स्टार्टिंग ऑफ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट अगर हम देखें तो ये जो तमिल तमिल पुनर्जागरण है मैंने ये आपको पॉइंट समझाई दिया तमिल पुनर्जागरण के तहत एक और काम किया गया द्रविड़ संस्कृति के सम्मान को पैदा किया गया कि ये जो वैदिक संस्कृति आई है नॉर्थ से साउथ में इस वैदिक संस्कृति ने जो है हम द्रविड़ियों को पिछाड़ दिया है हमें अपनी द्रविड़ संस्कृति की महानता को दोबारा स्थापित करना होगा हमें बताना होगा अपने लोगों को कि हमारी द्रविड़ संस्कृति वैदिक संस्कृति से कहीं ज्यादा महान है ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आई है ये वैदिक संस्कृति ये भारतीय नहीं है ये हमारी है भी नहीं ये वैदिक संस्कृति हमारी संस्कृति तो द्रविड़ संस्कृति है ये बात साउथ इंडिया के लोगों के बीच में जो कास्ट मूवमेंट चले उसमें द्रविड़ संस्कृति का भी पुनर्जागरण शुरू किया गया कि लोग वैदिक संस्कृति को छोड़कर द्रविड़ को अपनाएंगे तो ब्राह्मण का वर्चस्व वैसे ही खत्म हो जाएगा मैनी क्लासिकल वर्कस क्रिएटेड डिफ्रेंसेज बिटवीन द्रविड़ सिविलाइजेशन एंड आर्यन संस्कृति कल्चर इनके बीच के अंतर बताए उन्होंने कि दोनों एक नहीं है द नॉन ब्राह्मण तमिल स्कॉलर्स अटैम्पटेड टू शो दैट द आर्य हैड डिस्टोर्टेड द सुपीरियर द विडियन रिलीजियस सिस्टम लाइक शैव सिद्धांत फिलोसॉफी एंड इम्पोज द टीचिंग्स ऑफ वेदास एंड द कास्ट सिस्टम ऑन द साउथ इंडिया पीपल तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे साउथ इंडिया के जो कि गैर ब्राह्मण थे उन्होंने ये दिखाया कि जो आर्यंस आए हैं उन्होंने इन्वेड किया है हमारे रीजन में तो आर्यंस ने यहां हमला करके हमारी द्रविड़ियन संस्कृति को तबाह करने की कोशिश की है आ, हम लोग शैव व्यवस्था पर शैव सिद्ध शैव फिलॉसफी पर जो है बिलीव करते हैं और इसके ऊपर इन्होंने वेदों को आरोपित कर दिया है वेदों को सुपर इम्पोज कर दिया है और उन वेदों के कारण हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम आ गया जो कि पहले नहीं था कास्ट सिस्टम आ गया है साउथ इंडिया के अंदर तो ये एक तरीके का करप्शन है एक तरीके का मिक्सचर है जो कि आर्यंस ने हम द्रविडियंस की संस्कृति में किया है आगे बढ़ते हैं दिस रीडिस्कवरी दिस रीडिस्कवरी एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट आफ्टर दिस रीडिस्कवरी एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट आफ्टर नाइनटीन सिक्सटीन तो ये जो ये जो नई कोशिशें की गई कि द्रविड़ संस्कृति को शुरू किया जाए द्रविड़ संस्कृति की बात की जाए इसने एक नयापन लेकर किया है इस आंदोलन में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में और बाद में यही द्रविड़ संस्कृति का आंदोलन तमिलनाडु साइड के अंदर एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाएगा इसी को ये बाद में एक राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट भी करेंगे जो डीएमके पार्टी है वो वहीं से इसी आंदोलन से निकलेगी नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का एरिया साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश का एरिया वहां की कहानी अलग है वहां पर कुछ जातियां ऐसी थी जिनका कंपैरिजन जो कि अपने आप को शूद्र नहीं मानती थी पर ब्राह्मणों ने उनको शूद्र कहना शुरू कर दिया था इस वजह से वो जातियां अच्छा उन जा, जो मैंने कहा कि उन जातियों को भी शूद्रों से समस्या थी तो वो खुद भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थी उनके भीतर भी डिस्क्रिमिनेशन था और उन्हें ब्राह्मणों का डिस्क्रिमिनेशन तो बुरा लगता था लेकिन वो खुद भी जो है शूद्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी तो वहां लड़ाई दूसरी थी वहां पर आंदोलन में उन्होंने शूद्रों को साथ नहीं लिया लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा इसलिए कि वो उन्हें शूद्रों के साथ कंपेयर कर रहे हैं दूसरा वो लोग आ, उनके टाइटल्स को ब्राह्मण्स ने बदलना शुरू किया वहां पर कुछ जातियों ने अपने साथ चौधरी लगाना शुरू किया जैसे तो इन्होंने जो है ब्राह्मण्स ने आ, उनको कहा कि ये तुम नहीं लगाओगे चौधरी तुम्हारे साथ दास तुम पहले से लगाते थे तुम्हें दास ही अपने नाम के आगे सरनेम दास ही लगाना होगा तो इस तरीके की चीजें जब इंपोज करनी शुरू की तो वहां पर जो कि ऐसी कम्युनिटी में नहीं आती थी जातियां पर वो गैर ब्राह्मण थी उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है नोट्स में देख लेते हैं Andhra, एक एक बार इन ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है तेलुगु के अंदर ब्राह्मण ने ब्रह्म ये टर्म लिए यूज की जाती है इसका मतलब क्या है द मूवमेंट लॉन्च बाय अदर ब्राह्मण इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है वहां पर इस आंदोलन में कि ऐसे लोगों का आंदोलन जो कि ब्राह्मण नहीं है गैर ब्राह्मण लोगों का आंदोलन वॉज बेसिकली फॉर कल्चरल रिफॉर्म एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द नॉन ब्राह्मण ग्रुप्स जैसे कामाज ये कुछ जातियां थी जो कि गैर ब्राह्मण थी ये शूद्र नहीं थी लेकिन यह गैर ब्राह्मण थी जैसे कामाज रेड्डीज़, बलीजा वेलमाज एक्सेट्रा दीज पीजें ग्रोप्स ये किस किसान थे कृषक थे वर हैविंग लैंड ओनरशिप इनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी जमीन थी वर हैविंग लैंड ओनरशिप एंड इकोनॉमिक डेमिनेंस डोमिनेंस, बट लैग्ड मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स स्टेटस ड्यू टू विच दे वर फेलिंग टू क्लेम हाई सोशल स्टेटस इनके पास जमीन थी इनके पास संपत्ति थी इन जातियों के पास ये गैर ब्राह्मण जातियां थी लेकिन इनके पास एक तो अंग्रेजी शिक्षा का अभाव था वो नहीं थी वो ब्राह्मणों को मिल रही थी साथ ही साथ इनको वो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर ब्राह्मणों से नीचे रखा जाता था तो ये जो है वो जो एक हाई सोशल स्टेटस ये लोग चाहते थे वो इनको मिल नहीं पा रहा था नैचुरी दे अटैक्ड ब्राह्मणस मोनोपोली ओवर रिचुअल्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन्होंने ब्राह्मण्स का जो एकाधिकार था जॉब्स पर और परंपराओं पर अनुष्ठानों पर उन सब पर इन्होंने सवाल इन्होंने उस पर अटैक किया इन्होंने शादियाँ कि हम ब्राह्मणों से करवाते ही नहीं शादी जब तक हमारी अपना जन्म संस्कार विवाह संस्कार या मृत्यु संस्कारों पर आश्रित रहेंगे हम ब्राह्मणों पर कि ब्राह्मण ही करेगा तब तक ये हमको कंट्रोल भी करते रहेंगे तो हम शादी में ब्राह्मण बुलाते ही नहीं हम तेरहवीं में ब्राह्मणों को भोज देते ही नहीं हम इस तरीके के रिचुअल्स खत्म कर देते हैं हम जन्म के समय नामकरण हम अपने ही लोग खुद ही नामकरण रख लेते हैं अपने बच्चे का जरूरी है कोई ब्राह्मण आएगा और वो नाम देगा हमारे बच्चे को हम अपने बच्चे को खुद ही नाम देते हैं तो इस तरीके से इन्होंने पारंपरिक सेक्टर के अंदर जो ब्राह्मण की मोनोप्री थी कि कोई ब्राह्मण ही आकर के नाम देगा कोई ब्राह्मण ही शादी करवाएगा कोई ब्राह्मण ही आकर के जो है तेरहवीं वगैरह और अंतिम संस्कार करवाएगा क्रिया करवाएगा ये जो मोनोपोली थी ब्राह्मणों की उसको इन्होंने तोड़ा जिससे कि ब्राह्मणों की, की मोनोपोली सिस्टम के ऊपर से टूटे आंध्रा में इस तरीके का आंदोलन चला द नॉन ब्राह्मण सेक्शन ऑफ द लैंड ओनिंग एंड रिच अपर क्लास सफर्ड ऑन अकॉर्डिंग ऑफ बींग क्लब्ड इन टू द शूद्रा कैटेगरी यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी जो अपर क्लास के लोग थे जो ब्राह्मण तो नहीं थे लेकिन अपर क्लास के लोग थे ये इस बात से ऑफेंड हो जाते थे जब ब्राह्मण इनको शूद्रों के साथ रखते कि तुम में और शूद्रों में फर्क नहीं है तुम सब एक से ही हो हम महान है ब्राह्मण जब इस तरीके की बात करते थे तो ये अपर क्लास लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी तो एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन इनके अंदर भी था और यही इस कास्ट मूवमेंट के फेलियर का कारण भी है कास्ट मूवमेंट के अंदर भी इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन थे वो नहीं होते और सारी सारी जातियां एक होकर के आंदोलन चलाती तो सभी का मन परिवर्तन हो जाता तो फिर जो है जैसे कि जो ब्राह्मण है वो ओबीसीज़ को अपने से छोटा समझे और ओबीसी एससी को अपने से छोटा समझे सोच अभी भी है तो ये जो सोच है इस तरीके की जो सोच है इस सोच ने ही इस कीड़े को अभी तक जिंदा रख रखा है वरना तो ये कब का शायद खत्म हो गया होता तो अपर क्लास सफर्ड ऑन अकॉर्डिंग ऑफ बीइंग क्लब्ड इनटू अ इंटू कैटेगरी बाय द ब्राह्मण्स। दोबारा बोल रहा हूं द नॉन ब्राह्मण सेक्शन ऑफ द लैंड ओनिंग एंड रिच अपर क्लास सफर्ड ऑन अकॉर्डिंग ऑफ बींग क्लब्ड इन टू अ शूद्रा कैटेगरी बाय द ब्राह्मण फॉर एग्जाम्पल इट वॉज दैट द ब्राह्मण टीचर डिनाइड कामा स्टूडेंट्स द राइट right टू स्टडी ब्राह्मण शिक्षकों ने कामा जाति के छात्रों को पढ़ने का अधिकार छीन लिया जैसे शूद्रों से छीन लिया जाता था इन्हें भी कि इन्हें पढ़ने नहीं देंगे पढ़ने का अधिकार छीन लिया वेदास जाति यह भी शूद्र में नहीं आती थी अपर जाति में थी लेकिन ब्राह्मण नहीं थी वेदास एट कोठावरम विलेज ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट वेदास को कोठावरम विलेज में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनसे भी इस तरीके के अधिकार छीने गए द ब्राह्मिंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूज सफिक्स चौधरी इन प्लेस ऑफ दास बाय द मेंबर्स ऑफ कामा कास्ट कामा कास्ट के लोग अपने साथ चौधरी जोड़ने लगे चौधरी उत्तर भारत में भी बहुत मिलता है और बहुत तरह के लोग चौधरी लगाते हैं राजपूतों में भी चौधरी है जाटों में भी चौधरी का इस्तेमाल किया जाता है और एक दो जगह भी चौधरी का सरनेम का इस्तेमाल होता है तो यहां पर कामा कास्ट के लोगों ने ब्राह्मण आंध्र की साइड में कामा जाति के लोग जो कि अपने आप को शूद्र में नहीं मानते थे अपर कास्ट में मानते थे उन्होंने चौधरी लगाना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने इस बात का विरोध कर दिया कि तो, कामा जाति के लोग चौधरी नहीं लगा सकते उनके लिए दास ही सूट करता है वो दास लगाते थे उन्हें दास ही सरनेम रखना होगा अपना अब ये दास नाम जो है ये उनसे इनको प्रॉब्लम थी कामा वालों को कि ये हमें क्लब कर रहे हैं शूद्रों के साथ इन्हें यह प्रॉब्लम हो रही थी इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट द ब्राह्मण फाइल्ड अ रजिस्टर्ड नोटिस कामा शुड नॉट बी अलाउड टू स्टडी संस्कृत एक ये मुद्दा उठा कई मुद्दे थे चौधरी का मुद्दा उठा फिर कामा जाति के लोगों को संस्कृत पढ़ने से मना किया गया फिर एक व्यक्ति आए रामास्वामी चौधरी अ प्रोमिनेंट नॉन ब्राह्मण लीडर रेफर्ड टू सेवरल सच इंसिडेंट तो जो रामास्वामी चौधरी है ये एक ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण लीडर थे इन्होंने ऐसे सारे मुद्दे लोगों के आगे उठाए कि देखो हम लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और हमको अपर क्लास में होने के बावजूद भी ब्राह्मण लोग स्ट्रैटेजिकली शूद्रों के साथ क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस जात इस जाति के लोगों ने इकट्ठा होकर के ब्राह्मण के खिलाफ आंदोलन चलाने शुरू किए द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन आंध्रा वाज़ अ कल्चरल रेस्पॉन्स ऑफ द नॉन ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स टू द सुपीरियर ब्राह्मण सोशल एंड स्पिरिचुअल डोमिनेंस तो जो आत्मसम्मान आंदोलन आंध्रा में चला वो बेसिकली ब्राह्मण्स की बुद्धिमत्ता पर कि उनके पास जितनी बुद्धि है किसी के पास नहीं है वो समाज में महान है उनके पास जितना आध्यात्मिक और किसी के पास नहीं हो सकता उस सुपीरियरिटी को आत्मसम्मान आंदोलन के तहत आंध्रा में चैलेंज किया गया अब ये जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको ही चुका हूं वन ड्रॉबैक ऑफ दिस मूवमेंट वॉज दैट ओनली अपर कास्ट नॉन ब्राह्मण वर एड्रेस्ड अपर कास्ट नॉन ब्राह्मण्स ने जब आंदोलन छेड़ा तो उन्होंने केवल अपर कास्ट नॉन ब्राह्मण की बात की लेकिन जो शूद्रों के साथ भेदभाव हो रहा था उनके अधिकारों की बात इन्होंने नहीं की यह कुछ ऐसे था कि जो ए है यहीं पर समझा देता हूं बोर्ड पर जाने में फिर टाइम लगेगा ए बी के साथ ए बी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और ए सी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बी अपने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ तो आवाज उठा रहा है पर वो सी के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को गलत भी नहीं ठहरा रहा सी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको उससे बी को भी कोई समस्या नहीं हो रही तो ये आंदोलन नहीं ख़... बहुत सफल हो पाएंगे बी और सी दोनों को ए के द्वारा किए जा रहे डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करना चाहिए था पर बी तो खुद चाहता है सी का डिस्क्रिमिनेशन करना ये समस्या थी मेरे लिए इसलिए ये कमजोर पड़े आंदोलन वन ऑफ दिस मूवमेंट दैट ओनली अपर कास्ट नॉन वर एड्रेस्ड इट लेफ्ट आउट द हरिजन एंड अदर लोअर कास्ट उनको नहीं आने दिया अपने आंदोलन में सो इट एम्ड एट रिस्ट्रक्चरिंग द कास्ट सिस्टम रेदर देन अबोलिशिंग द कास्ट सिस्टम लाइक इन महाराष्ट्र तो इन लोगों ने जैसे ज्योतिबा फूले ने तो कास्ट सिस्टम को ही खत्म करने की बात की आंध्र साइड में जिन्होंने आंदोलन चलाया इन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं की बल्कि बस कास्ट सिस्टम में अपनी स्थिति को ऊपर रखने की बात की कि हम ब्राह्मण के नीचे हैं मान लिया लेकिन हमें शूद्रों के साथ क्लब मत करो वरना हम तुम्हारा विरोध करेंगे तो उन्होंने एडजस्टमेंट इन द कास्ट सिस्टम की बात की बट कास्ट सिस्टम के अब को अबॉलिश करने की बात इन्होंने नहीं की तो इसीलिए ये सिस्टम गया ही नहीं ये प्रॉब्लम बनी रही ठीक है तो एक काम करता हूं बच्चों आज बस यही रखूंगा इसको मैं अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी डिफरेंट कास्ट मूवमेंट्स भी कुछ चले उन पर भी बात करूंगा तो इससे आगे कल की क्लास में पढ़ाऊंगा कल से मतलब परसों की क्लास में पढ़ाऊंगा कुछ नोट्स और तैयार करूंगा तो डिफरेंट कास्ट मूवमेंट चले हैं फैक्चुअल पार्ट जो कि प्री में आता है ये कंसेप्चुअल पार्ट है प्री में आईएस में तो कंसेप्चुअल पार्ट ही आएगा तो ये जो है कंसेप्चुअल पार्ट जो है ये Uh, समझाना जरूरी था आई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब तो पी में भी आने लगा और उसके बाद अब फैक्चुअल पार्ट पर नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करूंगा इस जातीय आंदोलन में अभी तो ये कंसेप्चुअल पार्ट को थोड़ा सा समझाना था बेसिकली अब इसके बाद अभी फैक्चुअल पार्ट इसमें बचता है तो अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी इस टॉपिक पर एक क्लास की ज़रूरत और पड़ेगी एक तो एक क्लास अभी और लूंगा इसके ऊपर ठीक है तो आज अभी यही रखता हूँ इससे आगे कल करूंगा कुछ एक दो बच्चों ने क्वेश्चन डाले थे नेक्स्ट क्लास में उसको आंसर कर दूंगा ठीक है चलिए वो चैट ऊपर निकल गई अभी मैं कर दूंगा चलो चलिए तो बस आज इतना ही रखता हूं हर्ष जी नमस्कार हर्ष जी नमस्ते भैया ठीक है थैंक यू सर नमस्कार सर वेरी गुड इवनिंग ठीक है तो बाकी परसों मिलते हैं बच्चों इससे आगे मेरी क्लास हिस्ट्री क्लास जो है परसों होगी आई होप कुछ बातें समझ में आई होंगी ये कंसेप्ट जो है हम इन पर बात तो करते हैं लेकिन हम दिमाग खोल करके इन पर डिस्कशन नहीं करते हम अपने परिवारों में हमें जैसे सिखाया जाता है हम वैसे मान लेते हैं तो दिमाग खोल करके बात करने की जरूरत है जिन चीजों के खिलाफ हमें घृणा पैदा की गई है ठीक है उनके खिलाफ घृणा पैदा घृणा रखिए लेकिन तर्क भी करिए कि ये चीजें आई क्यों ये सिस्टम में आई क्यों जिस सिस्टम से आज आपको समस्या हो रही है वो सिस्टम आया क्यों क्या जिन कारणों से वो सिस्टम आया था वो कारण दूर हो गए हैं तो खुल करके इन इश्यूज पर बात होनी चाहिए सिस्टम को इतिहास समझ करके ऐतिहासिक समस्याओं के, के कारण वर्तमान में कुछ समस्याएं आई हैं तो वर्तमान के समाधान ढूंढने के लिए उन ऐतिहासिक समस्याओं को भी समझना होगा ये चीज है ठीक है इससे आगे कल की क्लास में करता हूं आज के लिए इतना ही गुड नाइट ठीक है और कल क्या शेड्यूल मैंने आप लोगों को बताई दिया है